दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मीम मूवर एप्लीकेशन और गैलरी एप्लीकेशन में आए हुए अपडेट के बारे में। तो इन दोनों ही एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Xiaomi Redmi मोबाइल पर और क्या कुछ नया देखने को मिला है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, गैलरी एप्लीकेशन है और मी मूवर एप्लीकेशन है। इन दोनों में क्या कुछ अपडेट आया है और क्या कुछ चेंज देखने को मिला है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, मी मूवर एप्लीकेशन और गैलरी एप्लीकेशन ये दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगी। अब यहाँ पर मी मूवर का जो वर्जन है 3.0.6 पर, इसमें जो नया अभी चेंज आया है उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मी मूवर का लेटेस्ट वर्जन 3.0.7 मिल जाएगा। तो दोनों ही आपको 3.0.6, 3.0.7 ये दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं। इसमें केवल आइकन चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ स्पेशल चेंज आपको देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं गैलरी एप्लीकेशन के बारे में। तो 2.2.17.19 जो वर्जन है, इससे पहले 2.2.17.18 वर्जन था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब यहाँ पर चेंज की बात करें तो इसमें कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है, पर अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएगा। जैसे कि किसी भी फ़ोटो पर आप जाते हैं तो आपको डार्क यूआई में अब जो एडिट के ऑप्शन हैं वो सब डार्क यूआई में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रॉप का ऑप्शन है, देखिए ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाता है यहाँ पर। तो पहले से काफ़ी चेंज कर दी गई है इसकी यूआई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फ़िल्टर आपको काफ़ी नए नए तरह के मिल जाएंगे इस वर्जन में। तो ये चाइना गैलरी एप्लीकेशन है और फ़िल्टर में आपको एक फ़िल्टर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कलर फोकस करके आपको एक फ़िल्टर देखने को मिलेगा क्लासिक वाली कैटेगरी में। कलर फोकस का काम क्या होता है कि बैकग्राउंड आपका जो है ब्लैक एंड वाइट कर देगा और आपका जो फेस है, पोर्ट्रेट है, वो कलरफुल रहेगा। तो ये कुछ चेंज देखने को मिलता है। साथ में ही अगर आप एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट, इस तरह के काफ़ी सारे। इरेजर का इरेजर वाला एक फंक्शन है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इस पर वीडियो मैंने एक बना रखा है पहले ही और उसे आप चेक कर लीजिए। वो कौन सा वीडियो है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है और इसे आप चेक कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको सभी के सभी फ़ीचर पता चल जाएंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने उसके बारे में बात की है। तो दोस्तों, यही थे कुछ सिस्टम ऐप्स अपडेट जो कि अभी देखने को मिले हैं। ऐसे ही कुछ नए अपडेट आते हैं तो उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।